स्कूल टाइम में दोस्तों मैथमेटिक्स का एग्जाम देने के बाद आप बस अगर प्रे कर रहे हो कि भाई मैं पास हो जाऊं, और वहां पे अगर आपको 70% का मार्क मिल जाए तो जितना सरप्राइज आप नहीं होंगे उससे ज्यादा सरप्राइज दोस्तों आज के दिन मार्केट ने किया है अप मूव देके, क्योंकि फ्राइडे के दिन इतना बड़ा डाउन मूव होने के बाद आज के दिन बुल ने एक दिन में ही कमबैक किया है। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, वन साइडेड मूव रहता है, तो डेफिनेटली मैं लाइव मार्केट में लेवल देता हूं, जैसे उस दिन 51,472 के नीचे सेल करने को दिया था एंड आफ्टर ब्रेकडाउन दोस्तों अच्छा खासा काम दिया। तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इवन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक देता हूं। मैंने फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों मारिको का स्टॉक दिया था 3:17 पे, आज 1% भागा है। बालकृष्णा इंडस्ट्री मैंने ट्यूजडे के दिन दिया था पिछले हफ्ते, आज 2% से ज्यादा भागा है। आज मारी को भी यार 2% भागा है एक एक दिन में। तो फ्री वाला व्हाट्सएप चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा उसका लिंक, तो जाके पहले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। फिर आज के दिन भी मैं 2 स्टॉक दिया हूं, नाम नहीं बताऊंगा, आप जाके खुद देख लीजिए। और कल के दिन के लिए मेरे भाई फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में स्वागत है, ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड है फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल। आप बोलोगे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप को भूल गए क्या? मैं नहीं भूलता दोस्तों, प्लीज आप लोग भूल जाते हैं यार, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली मैं 2 वीडियो डालता हूं। और मार्केट डेज दोस्तों अगेन चालू हो चुका है आज से, तो 2 वीडियो आता है, पहले एक्सपायरी का, उसके बाद नॉर्मल वीडियो आएगा अभी 5:30। प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और यार ये वीडियो का लाइक टारगेट 150 लाइक दोस्तों, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ मांग रहा हूं मेरे स्टॉक एनालिसिस के लिए। जो मैं स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक देता हूं 10 में से 9 तो सही होते हैं, आप जाके खुद चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, देखो 130 लाइक आप जैसे भी कर दीजिए, और सॉरी अगर नॉइज होगा तो क्योंकि पीछे बारिश हो रहा है। तो पहला प्लान दोस्तों कल के लिए, देखिए आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, सो दैट आगे समझने में इजी होगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और यहां पे अगर थोड़ा सा डिप मारा फिर अगर ऊपर जाना चालू किया तो समझ जाओ कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मूव दिया, एक छोटा सा डिप मारा एंड देन अपसाइड का अगेन मूव दिया। अगर मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन है तो डाउन आएगा, थोड़ा कहीं ना कहीं पुल बैक मारेगा, अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू डाउनफॉल किया और उसके अगले दिन ही कहीं ना कहीं 80% रिकवर कर दिया, दैट मींस कि दोस्तों बायर डोमिनेट किए हैं और मार्केट में स्ट्रेंथ आ चुका है। और आज के दिन वही देखने को मिला। अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे टॉप से लेके देखेंगे आज के बॉटम तक तो 1.74% कहीं ना कहीं गिरा, बट आज के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं 80% तो रिकवर कर दिया, मतलब जहां से गिरा था दोस्तों ऑलमोस्ट 1.26% आ चुका है, यानी कि पूरे के पूरे रिकवर कर दिया है। अगर इसको नीचे आना होता तो यहां से आ जाता। सो कल के लिए व्यू अगेन कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ रहेगा। सो फ्लैट ओपन हुआ कल का पहला व्यू दोस्तों, आफ्टर फ्लैट ओपनिंग अगर 23,754 ब्रेकआउट करता है फिन निफ्टी तो बाइंग की तरफ जाएंगे। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है दोस्तों, क्योंकि फिन निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के आया है और ऊपर जो है 23,754 वो भी एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं एक एक करके बताता हूं, देखिए थोड़े से पीछे जाते हैं आप खुद देख लीजिए, 23,742 से 23,754 क्लियर कट आप देख ही सकते हैं दोस्तों, एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था जहां से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था। आज के दिन अगर आप देखेंगे, सॉरी यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहां पे सपोर्ट लेके पहली बार फिर ऊपर गया, तो तब तक तो ये सपोर्ट सही था। आप अगर देखोगे दोस्तों जो 23,742 से 23,754 एक परफेक्ट सपोर्ट था, आप सब कुछ आपको बताया कि सब कुछ सही था और कहीं ना कहीं लाइक सपोर्ट लेके मार्केट 2 बार ऊपर गया था, लेकिन फ्राइडे के दिन खेल बिगड़ गया। कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट था आप देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों ब्रेक डाउन किया कंटिन्यू कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ और बड़ा डाउनफॉल हुआ, तो यार ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है जिस रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट कहीं ना कहीं आज के दिन क्लोज किया है। सो कल के दिन अगर फ्लैट खुला और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं फिन निफ्टी 23,750
54 ब्रेकआउट करने लग गया तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। टारगेट रहेगा 23,844 जो कि एक रेजिस्टेंस है फ्राइडे के दिन, जहां से दोस्तों मार्केट गिरा था वो कहीं ना कहीं एक टारगेट रहेगा और यहां पे आप अपना टारगेट को बुक कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, प्लान नंबर बी की तरफ जाते हैं। और जो मैंने एक बात कहा ना, सारा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके कहीं ना कहीं फिन निफ्टी आगे बढ़ा है, वो आपको प्लान नंबर बी पे पता चलेगा कल के दिन दोस्तों। प्लान नंबर बी, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन खुला, यहां पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद अगर 23,633 अगर ब्रेक डाउन कर दिया 23,633 के नीचे, तो ही पुट बाय करेंगे। नहीं तो थोड़ा ध्यान से समझिए, 23,633 के नीचे प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं लोअर लो पैटर्न बनाया तो पुट बाय करेंगे, नहीं तो 23,633 से 23,660 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां से जैसे ही हायर हाई बनाया, यहां पे डुबकी मार के, यहां से जैसे ही दोस्तों कहीं ना कहीं एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल बनाया और उसका हाई ब्रेकआउट करता हुआ दिखा, हम बाइंग की तरफ जाएंगे। क्योंकि थोड़ा आप अभी फोकस कीजिए, जो मैं कह रहा था ना कि सारा रेजिस्टेंस तोड़ के कहीं ना कहीं ऊपर भागा है फिर निफ्टी, और जो एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए पहले तो रेजिस्टेंस सब कुछ काम से ही दिया, तो सिंपल बात है दोस्तों, मैं यही कह रहा था। आप अगर देखोगे तो 23,660 से 23,633, आप देखिए 23,662, 23,633 क्लियर कट आप देख सकते हैं, सपोर्ट था फ्राइडे के दिन। यहां पे उछला, टच किया, फिर उछला, ठीक ठाक सपोर्ट था। सपोर्ट दोस्तों फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ, जो सपोर्ट जोन है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, तो क्लियर कट आप देख ही सकते हैं दोस्तों, एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन था। और आज के दिन भी जो रेजिस्टेंस जोन वैलिड था, आज के दिन पहली बार अगर आप देखोगे 11:50 पे फिन निफ्टी ने इसी रेजिस्टेंस जोन को टच किया, डाउनफॉल दिया। यहां पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस को टच किया फिर डाउनफॉल, यहां पे देखते हैं रेजिस्टेंस को टच किया फिर, तो बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट करने की वजह से वीक हुआ। आखिरी टाइम पे ये रेजिस्टेंस तोड़ के फिर निफ्टी ऊपर भागा है, दैट मींस कि दोस्तों अब ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कितना रेजिस्टेंस को तोड़ के भागा है फिर निफ्टी। सो कल के दिन अगर, अब तो ये सपोर्ट बन चुका है क्योंकि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि कल अगर 23,633 के नीचे आता है और वो भी लोअर लो पैटर्न बनाता है तो कहीं ना कहीं पुट बाय करेंगे, नहीं तो दोस्तों यहां से तो मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न बता ही दिया, आपको कोई भी रिवर्सल दिखा तो आप पुट के तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे, प्लान नंबर सी की तरफ जाते हैं। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली दोस्तों प्लान रहेगा सेलिंग की तरफ, क्योंकि सबसे पहला रीजन है, देखिए आज के दिन वन साइडेड आप बुलिश नहीं बोल सकते, क्योंकि यार बहुत ही कहीं ना कहीं ट्रिपिंग टाइप का मार्केट था और थोड़ा सा वोलाटाइल था। अगर आप देखोगे ऊपर नीचे, मतलब कि मार्केट जब ऊपर जाता है ऐसे ऐसे जाता है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर होता है, जब नीचे गिरता है तो लाइक दिस ऐसे गिरता है, जैसे फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं स्मूथ गिर रहा था दोस्तों। बट आज के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों सही टाइम पे, मतलब कि मेरा आपके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि आपने मान लेते हैं आपने कॉल खरीदा, अब ऊपर गया ब्रेकआउट, यहाँ पे रिटेस्ट पे आपने कॉल खरीद लिया, आपका ऐसे लिट करके फिर ऊपर चला गया, फिर आपने कॉल खरीदा थोड़ा प्रॉफिट दिखा फिर लॉस कर दिया फिर ऊपर चला गया। पुट भी वैसे आप अगर पुट लेंगे हड़बड़ी होके तो भी ऐसे लिट करके ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोनों तरफ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ा ट्रेपिंग किया और कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो ऑब्जर्व किया होगा आज के दिन। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो ट्रेप तो जरूर हुए होंगे दोस्तों, क्योंकि यार मार्केट अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा डिप मार के इस टाइप का ऊपर जाता तो ट्रेप 90% लोग नहीं होते, बट इस टाइप का अगर मतलब रोलर कस्टर राइड की तरह अगर आपको ऊपर लेके जाए तो डेफिनेटली ट्रेप होंगे ही होंगे। सो छोड़िए वो बात, जितने भी लोग दोस्तों आखिरी टाइम पे अगर आप देखोगे जो अपमूव आया है, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं BTST लेके गए होंगे, कॉल खरीद के लेके गए होंगे। सो कल अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो कौन से प्लेस पे खुलेगा, यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों जहां से फ्राइडे के दिन मार्केट कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिया था वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके थोड़े ऊपर देखोगे तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। सो अगर कल गैप अप खुला, कोई भी यहां पे कॉल लेके गया है वो तो अपना बाइंग साइड का पोजीशन एग्जिट करेगा ही, मार्केट नीचे आएगा ही। उसके साथ साथ दोस्तों जहां पे यहां पे आप देख सकते हैं जितने सेलर एक्टिवेट है वो अटैक करने लग जाएंगे। सो आफ्टर गैप अप सेलिंग का प्लान रहेगा, बट सेटअप एक्टिवेट होने पे, सो बड़ा गैप अप खुलने पे दोस्तों पहला जो भी 5 मिनट कैंडल बनेगा
उसी का आपको कहीं ना कहीं लो ब्रेकडाउन करते ही हम पुट बाय करेंगे। अगर बड़ा गैप अप खुला और लोअर लो बना तो पुट बाय करेंगे, अगर बड़ा गैप अप खुला एम पैटर्न बना तो पुट बाय करेंगे, अगर बड़ा गैप अप खुला और उसके साथ साथ आपको एक कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिला और ब्रेकडाउन किया, देन डेफिनेटली दोस्तों हम पुट बाय करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे। अब चले जाते हैं प्लान नंबर डी, आखिरी प्लान है दोस्तों, और वो प्लान है अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया। तो देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो मेरा व्यू एक तो साइडवेज रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर आएगा। मैं साइडवेज रहेगा क्यों बोल रहा हूं पहले बता देता हूं। देखिए यहां से लेके यहां तक एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, चाहे वो वोलेटाइल ही सही, बीच में अगर खुल जाएगा ना तो यहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहां पे तो पहले सपोर्ट है, इस बीच के रेंज में कल के दिन रहने वाला है और कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट दे सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट हो चुका है दोस्तों सपोर्ट जोन। अगर कल गैप डाउन खुला तो यहां पे जितने भी अब बायर हैं जो आज के दिन मार्केट को कितनी बार नीचे कोशिश करने के बाद भी ऊपर उठा के लेके गए, तो जितने भी एक्टिव बायर हैं दोस्तों अगर कल गैप डाउन खुला तो वो एक्टिव होंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाने की ट्राई करेंगे। सो आफ्टर गैप डाउन एक तो साइडेज रहेगा, नहीं तो हायर हाई बनते ही हम बाइंग की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनते ही हम बाइंग की तरफ जाएंगे, या फिर दोस्तों पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल है उसी का हाई ब्रेकआउट करते हैं हम बाइंग की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे। अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे, 23,723 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ चुके हैं, और ये हमारे कॉल राइटर ये पुट राइटर और 23,750 के आसपास क्लोज दिया है। 23,800 पे अगर आप देखोगे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा कॉल राइटर हैं, 12 लाख पकड़ सकते हैं दोस्तों, 23,850 पे 4 लाख एंड 23,900 पे लाइक 13 लाख से ज्यादा कॉल राइटर हैं। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए, पहला रेजिस्टेंस तो बाय द वे 23,800 है जहां पे 12 लाख कॉल राइटर हैं, और 23,900 सेकंड बिग रेजिस्टेंस है जहां पे 13 लाख कॉल राइटर हैं। सो 23,800 अबव हम कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान अगेन कहीं ना कहीं जो व्यू है वो सही रहेगा। नीचे की बात करूं तो इतना कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है, हाँ बस 23,600 पे जाके बहुत नीचे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों 11 लाख से ज्यादा पुट राइटर हैं, बट ठीक ठाक भी पुट राइटर हैं 5 लाख 8 लाख, तो नीचे का तो आप टेक्निकली जो मैंने लेवल कहा दोस्तों उसी के नीचे ही करेंगे, लाइक सेल की तरफ जाएंगे, बट ऑप्शन चेन पे 23,600 ही कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा ख्याल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं सेकेंड वीडियो पे 5:30 बजे, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।